हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी और मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं टीचर्स अड्डा के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं MCQs ऑफ कंप्यूटर। मींस कि आज तक हमारे UGC नेट के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो MCQs आए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और ऐसे उसमें उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनके आने के चांसेस है। तो हम आज मिलके उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज हम उन टॉप 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करने जा रहे हैं जो आज तक आपके UGC नेट के एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। और जहाँ तक और जो हमने लास्ट की 2 वीडियोस में कंप्यूटर की स्टोरेज, उसके मीनिंग, उसके टाइप्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, CPU, उसकी स्टोरेज डिवाइसेज, इन सब के बारे में, उनकी मेमोरीज के बारे में हमने जो डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ MCQs ऑफ कंप्यूटर। यस, तो आओ स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करते हैं MCQs ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं आप सबकी क्या है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड होगी, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, तो आपसे क्वेश्चन चाहे किसी भी वे से, चाहे कैसे भी उसको तोड़ मरोड़ के, कैसे भी किसी भी वे से उससे पूछा जाए, आप उस क्वेश्चन का आंसर देने में क्या रहोगे, एबल। कब? अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्ड हो, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट है। बस आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद आपसे चाहे क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछा जाए, चाहे आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे, किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए, आप उस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हो। तो मैं आपकी यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ही ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। तो आइए स्टूडेंट, जल्दी से आइए और जुड़िए हमारे साथ और करते हैं हम स्टार्ट MCQs ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर के MCQs हैं, फर्स्ट है DVD टेक्नोलॉजी यूज एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डेटा। DVD इज एन एक्रोनिम फॉर। क्या पूछा गया इसमें कि DVD एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ऐसा ऑप्टिकल मीडिया है जो क्या करता है, हमारे डाटा को, डिजिटल डाटा को स्टोर करता है। DVD टेक्नोलॉजी ऐसे ऑप्टिकल मीडिया जो हमारे डिजिटल डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो यहाँ पर हमारी जो DVD है उसकी फुल फॉर्म क्या है, बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट बताओ कि DVD की फुल फॉर्म क्या है। हमने कल ही डिस्कस किया था, जो हमारी मेमोरीज है, हमारी जो स्टोरेज डिवाइसेज है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि DVD की क्या फुल फॉर्म होती है। DVD स्टैंड्स फॉर, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, डिजिटल वेक्टर डिस्क, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क। टेल मी स्टूडेंट्स, फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट्स रॉन्ग, इट्स आंसर इज सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट्स आंसर इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यस, अभी नीतीश कुमार जी ने अभी हमें एक आंसर दिया है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज योर राइट आंसर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, हमसे इसमें, इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है, हमसे क्या पूछा गया कि DVD की फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको कल भी बताया था कि UGC नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, कोई और कुछ नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड, ICT रिलेटेड और भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार हमसे क्या है फुल फॉर्म्स ही पूछी जाती है। तो आप सबको क्या है, सभी की सभी जो फुल फॉर्म्स है उनको याद करना है, उनको रटना है, उनको टिप्स पर रखना है। तो DVD की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, राइट। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD-ROM इज नोन एज, कि CD-ROM में कॉपीज को, CD-ROM में फाइल्स को कॉपी करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं CD-ROM में, CD-ROM में फाइल्स को कॉपी करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं। टेल मी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर है आपका ए, दैट इज बर्निंग, दैट इज बर्निंग। कि CD-ROM में फाइल्स को कॉपी करने की जो प्रोसेस है वो हमारी क्या कहलाती है, बर्निंग। और ये जो क्वेश्चन आपका UGC नेट के एग्जाम में पूछा भी गया है कि आप जो CD-ROM है हमारी, जो मेमोरी है CD-ROM, उसमें अगर आप फाइल को क्या है प्रोसेस करते हो, कॉपी करने की जो प्रोसेस है उसको क्या नाम देंगे हम, बर्निंग। क्या नाम है हमारी, बर्निंग, नॉट जिपिंग। जिपिंग इज नॉट द राइट आंसर, बर्निंग इज द राइट आंसर।
बर्निंग इज द राइट आंसर ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू सीडी रोम, कि सीडी रोम में जो हमारी फाइल्स हैं उनको कॉपी करने की जो प्रोसेस है वो हमारी क्या है, बर्निंग, क्या है, बर्निंग। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस जो नहीं है, मैंने आप सबको क्लास में बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस जिसके थ्रू हम अपना डाटा कंप्यूटर में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, वो डिवाइसेस जिसके थ्रू यूजर एंटर द डेटा इनटू कंप्यूटर, कि जिसके थ्रू जो यूजर है वो अपने डाटा को कंप्यूटर में क्या करता है, एंटर करता है, वो डिवाइसेस हमारी क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो अभी देखो इनमें से जो माइक्रोफोन है उसके थ्रू हम क्या है, डाटा को एंटर कर सकते हैं, कीबोर्ड है उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, जॉयस्टिक के थ्रू भी हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटर के थ्रू हम अपने डाटा को एंटर नहीं कर सकते। मॉनिटर तो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें इंफॉर्मेशन को शो करता है, जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उन्हें हमें शो करता है। मॉनिटर के थ्रू हमें क्या है, मिलती है इंफॉर्मेशन कि हाँ ये मॉनिटर है और यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर की स्क्रीन आपको शो होती है वहाँ से आपको क्या है, इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को एंटर नहीं करते, बल्कि वहाँ से तो आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मॉनिटर इज अवर राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या है आपका, मॉनिटर, क्या आंसर है, मॉनिटर। मॉनिटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इट इज अ आउटपुट डिवाइस। तो इसी तरह के हमारे जो यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत ही ऐसी इस तरह के सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कंप्यूटर अ बाइट, इन अ कंप्यूटर अ बाइट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में हमारी जो बाइट है वो कितने के इक्वल होती है। वैसे तो ये हमने जो हमारी कल दो क्लासेज हुई उनमें हमने ये डिस्कस नहीं किया है, बट फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ कि कंप्यूटर में क्या है, हमारी जो 8 बिट्स होती हैं वो मिलके हमारी एक बाइट के इक्वल होती है, राइट। और फिर हमारी 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, 1 KB, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 GB, गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 TB। तो ये हमारी हायरार्की है जो हमारे कंप्यूटर में होती है। 8 bits इज इक्वल टू 1 byte, 8 bits इज इक्वल टू 1 byte, एंड 1024 bytes इज इक्वल टू 1 KB। इज इक्वल टू 1 MB। 1 GB1 TB। तो ये हमारी हायरार्की है जो हमें ये बताती है कि 8 bits इज इक्वल टू 1 byte, 1024 bytes इज इक्वल टू 1 KB, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, एंड 1024 GB इज इक्वल टू योर 1 TB। ये हमारी सबसे हाईएस्ट है और ये हमारी सबसे क्या है, लोएस्ट, क्या है, ये हमारी लोएस्ट और ये है हमारी हाईएस्ट। तो इसका आंसर हुआ आपका 8 bits इज योर राइट आंसर, 8 bits इज योर राइट आंसर, 8 bits योर राइट आंसर। इट्स गीगाबाइट, GEGA, गीगाबाइट, नॉट गीगा, इट्स गीगा, GEGA, गीगाबाइट, नॉट गीगा, GIGA नहीं होता, गीगा होता है, GEGA, गीगाबाइट, राइट स्टूडेंट्स। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन
ए एनालॉग कंप्यूटर। कल हमने क्लास में डिस्कस किया था कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, पढ़ते हैं चलो क्या ऑप्शंस है इसके। इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं जिसमें हमारा जो इनपुट है वो पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल डेटा, जो इनपुट है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। थर्ड है आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म, जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें आउटपुट मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, डिजिटल फॉर्म में मिलता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हमने एनालॉग कंप्यूटर में क्या पढ़ा था, एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें हमारा जो डाटा है वो किस फॉर्म में होता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, किस फॉर्म में होता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। आया स्टूडेंट्स याद, ये क्या था, जहाँ पर हमारा जो डेटा है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, जो फ्लो ऑफ डेटा है वो कॉन्टिन्यूस होता है, और लेवल आपका क्या रहता है, सेम। हमने जो हमारी दो वीडियोस हुई हैं उन दो वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था कि एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं जिसमें हमारा जो डेटा का फ्लो है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, और जिसमें हमारा जो लेवल है वो चेंज रहता है। तो ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस क्या है, इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, नहीं, इसमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। तो सेकंड ऑप्शन आपका इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, तो दैट इज योर राइट आंसर, दैट इज योर राइट आंसर। बाकी सभी ऑप्शंस आपके गलत है, आपका सिर्फ राइट आंसर क्या है, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, राइट स्टूडेंट्स। अब है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड ये भी हमने पढ़ा था कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, बताओ फटाफट क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर रिसेम्बल्स अ डिजिटल कंप्यूटर, कि वो डिजिटल कंप्यूटर को करता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा रिसेम्बल्स एन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर को करता है। थर्ड है रिसेम्बल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग, कि डिजिटल और एनालॉग दोनों ही कंप्यूटर्स को वो क्या करता है, रिसेम्बल करता है। और लास्ट है हमारा नन ऑफ द अबव, नोटा, नन ऑफ द अबव। बताओ स्टूडेंट्स हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हमने लास्ट टू क्लासेस में डिस्कस किया कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी, डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी और एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड, इन दोनों को क्या करता है कंबाइन, यानी कि जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों की जो फीचर्स हैं उनको आपस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, उनको आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है, वो कंप्यूटर हमारा क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका आंसर हुआ आपका आंसर सी, रिसेम्बल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग, रिसेम्बल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज व्हाट, जिसमें आपको डिजिटल कंप्यूटर की भी फीचर्स मिले और साथ ही साथ एनालॉग कंप्यूटर की भी फीचर्स मिलती हैं, वही आपके क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका आपका आंसर हुआ आंसर सी, रिसेम्बल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, आंसर इज सी, राइट नितेश, योर आंसर इज राइट। कम ऑन स्टूडेंट्स, बाकी सब भी अपना रिप्लाई करके कमेंट करके मुझे आंसर्स दे, ताकि हम इसको और ज़्यादा अच्छे से कन्वर्ट कर सके, शेयर कर सके, डिस्कस कर सके, और पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपका जो लेवल है वो कहाँ पर है। हमने आप जिन भी स्टूडेंट्स ने दोनों क्लासेस को देखा है वो ज़रूर लाइक कमेंट करके हमें बताएं, कमेंट करके मुझे आंसर्स बताएं, कि आपको जिससे आपको क्या होगा कि आपको अपना लेवल बढ़ेगा, क्या होगा आपका, आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपकी जो कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है, राइट स्टूडेंट्स। और अगर बाय चांस किसी का भी गलत हो भी गया तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप गलत आंसर भी दोगे तो उससे क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि नहीं ये आपका गलत है, ये आंसर आपका सही है, तो वो आंसर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि हाँ मैडम ने क्लास में हमें ये बताया था कि इसका आंसर ये है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम खुद से पढ़ें
तो वो हमें इतना ध्यान नहीं रहते जितना जबकि हम उन्हीं चीज़ों को किसी दूसरे पर्सन के वर्ड ऑफ माउथ से सुनते हैं या समझते हैं। इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट गलत आंसर भी करता है तो भी उसके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। क्यों है? क्योंकि उसे ये चीज़ ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया था और मैडम ने मेरे को राइट आंसर बताया था, तो वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी। तो इसलिए घबराना नहीं है, चाहे आप बस आपको क्या करना है, आपको आंसर करना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। अगर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंट ऑलरेडी बिल्ड होगा कि हाँ भाई मैंने सही आंसर दिया, राइट स्टूडेंट, सही कह रही हूँ ना मैं, गलत तो नहीं कह रही। कि अगर आप सही आंसर दोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा कि हाँ मैंने सही आंसर दिया है, राइट। और जो गलत आंसर देंगे उन्हें ये ध्यान में रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मैंने उस टाइम गलत दिया था और इसका ये आंसर क्या है, राइट आंसर है। तो इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको क्या करना है, आंसर्स देने हैं, आपको आंसर देने हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। अगर आप गलत दोगे तो उसको सही करने के लिए हम हैं, राइट स्टूडेंट्स। अगर आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग को सिखाने के लिए, आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप करने के लिए हम हैं। तो आप अपनी जो जितनी भी क्वेरीज है वो सब हम पर छोड़ दीजिए और अपने यूजीसी नेट की तैयारी पर ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, कमेंट करके हमें आंसर बताने हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, क्लास में डिस्कस किया था ना। कल हमने क्या है, हमने कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े थे कि चार टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, चार टाइप के होते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, ध्यान रखो क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अभी अभी फरजीन ने आंसर दिया है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इज योर राइट आंसर। क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर हैं वो साइज में भी, स्पीड में भी, परफॉर्मेंस में भी, हर चीज़ में वो क्या है, सबसे एफिशिएंट है। क्योंकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर है, इनका साइज़ भी छोटा होता है, इनकी स्पीड भी कम होती है, इनकी परफॉर्मेंस भी कम होती है और इनकी जो एक्यूरेसी है वो भी हमारी क्या होती है, कम, एज़ कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर ही है आपका जो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्या, कि आपका सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कौन सा है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर आपका कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। क्योंकि ये साइज़ में भी, इनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, राइट, इनकी जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और जो इनकी परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और जो इनकी एक्यूरेसी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर है आपका सुपर कंप्यूटर, योर आंसर इज़ सुपर कंप्यूटर, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे ह्यूमन बींग्स के पास ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर के पास भी एक ब्रेन होता है और वो ब्रेन क्या है, इसी के रिगार्डिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच कीप्स पेरिफेरल्स अंडर कंट्रोल इज कॉल्ड, कि कंप्यूटर का ब्रेन जो सारी की सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसे हम क्या कहते हैं। मैंने आपसे जब क्लास में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा भी था कि कंप्यूटर की तीन डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू। और सीपीयू को हम क्या कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग का जो हमारा माइंड है उसी के पास सारी सोचने की, समझने की सारी पावर है, तो ऐसे ही कंप्यूटर के पास भी सारा कुछ जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जो भी ऑपरेशंस है, जो भी एक्टिविटीज़ उनको परफॉर्म करना है, उनको कंट्रोल करना है, सारा कुछ स्टोर करके रखते हैं, वो कहाँ करके रखते हैं, हम सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट आंसर। सभी स्टूडेंट्स ने राइट दिया है, फरजीन ने, नीतीश ने, आदित्य ने, सभी ने,
ऑल द बेस्ट गाइज, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज योर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो आइए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. तो आइए, राइट आंसर है आपका डी. अब और भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है आपका. जी हाँ फरजीन, आप सही कह रहे हैं, सी यू ए एल यू एंड एम यू होते हैं सीपीयू में, राइट, यू आर. तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एल यू स्टैंड्स फॉर, ए एल यू, ए एल यू का मीनिंग क्या है. ये भी हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ए एल यू क्या होता है. ए एल यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है ऑप्शंस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट और नन ऑफ द अबव. बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट फटाफट फटाफट. फरजीन ने आंसर दिया है नाइन्थ का, ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ए एल यू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बिल्कुल सही आंसर दिया. आदित्य का भी आंसर आ गया है ए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. ये क्या है, हमारे सी पी यू में फंक्शंस को परफॉर्म करती है, अर्थमेटिक और लॉजिक के. अर्थमेटिक में हमारे कौन से फंक्शन आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न. और लॉजिक में आता है हमारा ग्रेटर देन और लेस देन, या फिर आप कह सकते हो कंपेरिजन, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हमारी जिसको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते. वहाँ पर हमें जो फंक्शंस हैं वो क्या करने पड़ते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन की फॉर्म में परफॉर्म करने पड़ते हैं. तो ये दोनों फंक्शन हमारी कौन सी यूनिट परफॉर्म करती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. तरुण कुमार का भी आंसर आया है ए, दैट इज़ योर राइट आंसर. बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो आप सब. सो आपका आंसर है, आंसर इज ए. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या क्या होता है. अभी थोड़ी देर पहले फरजीन ने तो आंसर भी दिया था ये ऑलरेडी. अब वही क्वेश्चन आ गया हमारा, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में हमारे क्या क्या होते हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसर, राइट. ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि सीपीयू में हमारे क्या क्या होते हैं. सेकेंड ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसर एंड ब्राउज़र, कि इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, ब्राउज़र भी होता है और प्रोसेसर भी होता है. थर्ड है हमारा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज. फोर्थ है हमारी कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर एंड प्राइमरी स्टोरेज. बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, क्या आंसर है इसका. आंसर है आपका, तरुण कुमार जी बोल रहे हैं सी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज. हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि जो सीपीयू है उसके मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं. एक तो होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो क्या करती है, हमारे अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट को के फंक्शंस को परफॉर्म करती है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन के. और जो हमारी कंट्रोल यूनिट है, हमारी तीन यूनिट होती है इसमें. फर्स्ट होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो अर्थमेटिक और लॉजिक के फंक्शंस को परफॉर्म करती है. सेकंड होती है हमारी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जितने भी ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर में उन सबको वो क्या करती है, कंट्रोल करती है. और थर्ड होती है हमारी स्टोरेज, जो हमारी मेमोरी है, जो सारे डाटा है उसको क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है. तो हमारे सीपीयू में क्या क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज. क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज. तो आपका आंसर है, आंसर इज सी, योर आंसर इज सी, सी इज योर आंसर. तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर सेट अप. समझिए क्वेश्चन क्या है, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर सेट अप, कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ पर होती है. हमने ये कल डिस्कस भी किया था हमारी स्टोरेज डिवाइसेस में, स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जब हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जो उसमें इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ पर सेट होती हैं. देखो क्या क्या ऑप्शन है इसके, फर्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंड है सी डी रोम, थर्ड है रीड ओनली मेमोरी और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव. बताओ स्टूडेंट्स फटाफट फटाफट, क्या आंसर है इसका, कि
कि जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस में होती है? तो इसका आपका आंसर है, गाइस बताओ, आप सब चुप क्यों हो गए? फरजीन का आंसर आया है रैम, ऑप्शन ए। फरजीन का आंसर आया है रैम, ऑप्शन ए। बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ, आदित्य कुमार भी बोल रहे हैं ए। और स्टूडेंट्स फटाफट फटाफट गाइस फटाफट, ए उत्सर्ग, ए अवनीश यादव, ए रैम, राइट। तो आपका इसका आंसर है आंसर सी। जो हमारी रीड ओनली मेमोरी है वो, नॉट ए। सॉरी गाइस, आप सबने गलत आंसर दिया। हमारा जो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो रीड ओनली मेमोरी है रोम, ये होती है। क्योंकि जो रैम है वो तो हमारी क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है। क्या है वो? टेम्परेरी। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारी रैम है वो क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। कि जैसे ही जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक तो वो क्या रहेगी, आपको डाटा शो करेगी, लेकिन जैसे ही आपने अपनी पावर बंद की कंप्यूटर की तो आपका जो डाटा है वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। तो वो टेम्परेरी मेमोरी है। तो उसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी जो डाटा है वो आपको कब तक स्टोर रहेगा, जब तक आपका कंप्यूटर में पावर है। जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, सारी इंफॉर्मेशन आपकी डिसअपियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी है। क्यों है वो टेम्परेरी मेमोरी? और जो रोम है वो हमारी क्या है, परमानेंट। जो रीड ओनली मेमोरी है वो हमारी क्या है, परमानेंट मेमोरी है। जो वो परमानेंट मेमोरी है, जो ऑल टाइम, जो फिक्स है कि ये मेमोरी आपकी ऑलवेज रहेगी ही। जैसे आप अपने फ़ोन्स में लेके चलते हो कि हमारे फ़ोन्स में कुछ फ़ोन्स है जो 4 GB, 32 GB, 6 GB, 64 GB, इस तरह से आते हैं। तो वो जो आपकी 4 GB है, जो आपकी फ़िक्स है, जिसको आप एनहांस नहीं कर सकते हो, वो आपकी कौन सी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी। कौन सी होती है, रीड ओनली मेमोरी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग संदीप कुमार, गुड इवनिंग। तो इसका जो हमारा इंस्ट्रक्शंस, जो हमारा कंप्यूटर है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी इंफॉर्मेशंस है, सारी इंस्ट्रक्शंस है, वो किस मेमोरी में होती है, हमारी रीड ओनली मेमोरी। क्यों? क्योंकि जो रीड ओनली मेमोरी है वो हमारी क्या है, परमानेंट मेमोरी। क्या है वो हमारी, परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी है, तभी करके उसमें जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है वो सारी की सारी क्या रहेंगी, वहाँ पर रहेंगी। रैम में तो क्या है, जितने देर आपका ओपन है तब तक आपको शो रहेंगी, अदरवाइज वो चली जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो इसलिए इसका आंसर है आपका रोम। क्या है? रोम। और क्यों है? क्योंकि रोम हमारी क्या है, परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी, राइट स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो 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 एवरी स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। हमारे सीपीयू का पार्ट क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पार्ट क्या है इनमें से? प्रिंटर, कीबोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और नन ऑफ द अबव। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, क्या आंसर है इसका? 12th का सी, आदित्य सी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यस, इसका आंसर है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का पार्ट, 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के। फर्स्ट अर्थमेटिक ALU, कंट्रोल यूनिट और स्टोरेज यूनिट। ठीक है, ये 3 पार्ट है जो हमारे सीपीयू के होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और स्टोरेज यूनिट। राइट स्टूडेंट्स, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम स्टैंड्स फॉर। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन हमारे UGC NET के एग्जाम में भी पूछा गया है। सीडी रोम की फुल फॉर्म,
सीडी रोम की फुल फॉर्म हमारे है, देखो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और नेक्स्ट है कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। बताओ स्टूडेंट, सीडी रोम कल ही हमने पढ़ा था, सीडी रोम क्या होती है, सीडी रोम की फुल फॉर्म फटाफट। फरजीन कह रहे हैं सी, 13 का सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज आंसर कमेंट। बोगिन भी कह रहे हैं सी, आदित्य सी, अविनाश सी, फरजीन कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तरुण कुमार सी, राइट, बिल्कुल सही जा रहे हो स्टूडेंट्स आप सब। सीडी रोम की हमारी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दिस इज योर राइट आंसर, वेरी वेल डन स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर है सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरजीन कह रहे हैं विल वॉच द रिमेनिंग क्वेश्चन लेटर, 2% चार्जिंग लेफ्ट। फटाफट अपना चार्जिंग पे लगा लीजिए, क्योंकि अभी हमारे हाफ ही क्वेश्चंस 50% क्वेश्चंस हुए हैं, और 50% क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग है। फटाफट आप चार्जिंग पे लगाएं, और तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पर एक मिनट का ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, उसके बाद हम दोबारा आके अपने क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे। फटाफट स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आइए, जल्दी से आंसर्स भी दे दिया है कुछ स्टूडेंट्स ने, तो 14 क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिजिड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी और रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी। तो आपका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कल ही हमने डिस्कस किया था रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेरी वेल डन स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो आप सब। नेक्स्ट हमारा आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज इज, कि प्राइमरी और सेकेंडरी, जो कि हमने कल पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो आज हमसे ये क्वेश्चन है कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में क्या है। प्राइमरी, पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राइमरी स्टोरेज इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज, कि हमें किसके बारे में बताना है, प्राइमरी स्टोरेज के बारे में। किसके बारे में बताना है, प्राइमरी स्टोरेज के बारे में, कि प्राइमरी स्टोरेज हमारी क्या है, और किसके कंपैरेटिवली बताना है, सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरेटिवली। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। ऑप्शंस है हमारे स्लोअर एंड लेसर, सेकेंड है फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, थर्ड है फास्टर एंड लेसर एक्सपेंसिव, और लास्ट है स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव। नीतीश कुमार ने आंसर दिया है 15B, बोगिन बी, आदित्य बी। टेल स्टूडेंट्स फटाफट, हरी अप। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, आंसर इज बी, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव। कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होती है, फास्टर, किससे, सेकेंडरी मेमोरी से, राइट। और वो क्या होती है, फास्टर है तो वो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होती है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या है, फास्टर भी होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। किसके कंपैरेटिवली, सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरेटिवली, राइट स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड। देखो स्टूडेंट्स, हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में ना जो क्वेश्चंस है
वो एक ही होते हैं, बस उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आपको और उसकी लैंग्वेज में चेंज कर देंगे, उसका पूछने का तरीका चेंज कर देंगे, क्वेश्चंस वही होते हैं, बस उनको घुमा फिरा के आपको प्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एकदम क्लियर है तो आप जैसे क्वेश्चन चाहे किसी भी वे से पूछा जाए आप उसका आंसर सही दोगे। तो यही क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन ये सिंपल भी हो सकता था लेकिन इसको क्या थोड़ा घुमा के पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर की मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा, कि जिसमें हम जो डाटा है उसको क्या है, जो हमारे प्रोग्राम है और जो हमारा डाटा है उसको क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी स्टोर करते हैं। ऐसी कंप्यूटर मेमोरी जिसमें हम अपने डाटा और प्रोग्राम को टेम्परेरी स्टोर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हमारी रैम। क्या है वो, हमारी रैम। रैम इज अवर टेम्परेरी मेमोरी। सीधा वो भी ये भी पूछ सकते हैं कि टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है, कि रैम इज द टेम्परेरी मेमोरी, रैम हमारी क्या, टेम्परेरी। लेकिन उसने यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सीधा नहीं पूछा बल्कि थोड़ा घुमा के पूछा, क्या कि कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी जिसमें हम अपने डाटा को और अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, टेम्परेरी स्टोर करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो वो है हमारी रैम। तो आपका आंसर है आंसर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज योर टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज योर टेम्परेरी मेमोरी, हाइट स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। व्हाट इज दिस बॉगिन, क्या कह रहे हैं आप, हाइट स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। Our next question है, the memory which is programmed at the time of its manufacturing। यह हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऐसी मेमोरी कौन सी, ऐसी मेमोरी which is programmed at the time of manufacturing, कि manufacturing के टाइम पे ही जो मेमोरी हमारी बना दी जाती है उस मेमोरी का नाम क्या है, कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही बना दिया जाता है, यानी कि जो हमारी क्या है, क्या है, हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था। टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज द राइट आंसर। ओके ओके ओके, रैम इज एग्जांपल ऑफ हाई स्पीड एंड सेमीकंडक्टर मेमोरी, यस यू आर राइट। बताओ स्टूडेंट्स कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे मैन्युफैक्चरर ही क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, वो हमारी कौन सी मेमोरी है, कौन सी मेमोरी है हमारी वो, टेल मी स्टूडेंट्स। नीलिश नीतीश कुमार कह रहे हैं 17A, राहुल बी, आदित्य सी, गरिमा जैन ए, सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग ओपिनियन आ रहा है। अवनीश यादव ए, शुमला खान रैम। इस क्वेश्चन पे आप लोग कंफ्यूज क्यों हो गए, रोम, बोगिन कह रहे हैं रोम। तो जो मेमोरी आपकी मैन्युफैक्चर, देखो स्टूडेंट्स सीधी सी बात है, हमारी दो मेमोरी होती हैं, एक होती है रैम और एक होती है रोम। जो रैम है वो हमारी क्या है, टेम्परेरी है, क्या है वो, हमारी टेम्परेरी। और जो रोम है वो हमारी क्या होती है, परमानेंट, राइट। और ये परमानेंट भी होती है और इसको जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको फिक्स कर देते हैं स्टार्टिंग में ही, क्या कर देते हैं वो, उसको फिक्स कर देते हैं। तो रोम हमारी क्या है, परमानेंट। तो इसका आंसर है आपका रोम, क्या है आपका रोम। रोम ही एक ऐसी मेमोरी है जिसको मैन्युफैक्चरर क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही वो आपकी क्या हो जाती है, फिक्स। उसमें आप किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, उसमें आप किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। रैम तो क्या है, आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, क्या है, टेम्परेरी है, वॉलेटाइल है, इस करके वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग उसको डिसाइड नहीं कर सकता, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। यस यस अंजलि मैम, मैंने सही बताया, बिल्कुल।
हम लोगों के मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, रैम भी होती है, रोम भी होती है, दोनों मेमोरीज होती है हमारे फ़ोन में भी। तो जो मेमोरी आपके मैन्युफैक्चरर आपको फिक्स करके देते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर हैं, आपके मोबाइल फ़ोन, उसमें जैसे हमारी दो टाइप की मेमोरी होती है कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ अगर हम बात करें, कुछ फ़ोन्स ऐसे हों जो ऐसे वेरिएंट में आते हैं कि 4 GB और 32 GB, 6 GB और 64 GB, ठीक। तो जो वो हमारी क्या है, उसमें जो 4 GB है वो हमारी क्या है, रोम, क्या है वो हमारी रोम, राइट। और जो हमारी बाकी की उसमें 32 GB है, 64 GB है, उसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि एक्सटेंडेबल अप टू, उसमें मेंशन होता है कि आप कि आपकी जो 64 GB है वो आपको फिक्स करके दे दी कि इतनी है, आप उसको और ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन जो आपकी रोम है उसमें आप किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी क्या रहती है, बिल्कुल फिक्स रहती है। तो इसका आंसर है आपका रोम, ए इज योर आंसर, ए आंसर इज रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही फिक्स कर दी जाती है, रोम। किसका आंसर क्या होगा योगेश, क्या पूछ रहे हो आप? आप पूछ क्या रहे हो, आप ये भी तो बताओ ना, एक ही बस बार बार यही कहे जा रहे हो, मैम इसका आंसर क्या होगा, मैम इसका आंसर क्या होगा। यस यस यस, इसका आंसर रोम है, रोम 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 इज योर राइट आंसर, यस रोम इज योर राइट आंसर, रोम, रीड ओनली मेमोरीज मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही फिक्स कर दी जाती है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैम इज यूज्ड एज शॉर्ट मेमोरी, रैम इज़ यूज अ शॉर्ट मेमोरी एज इट इज़, कि रैम को हम क्या है शॉर्ट मेमोरी के रूप में यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस है यह एक्सपेंसिव होती है, या फिर स्मॉल कैपेसिटी है इसकी, प्रोग्रामेबल है, या फिर ये क्या है वॉलेटाइल है। रैम क्या है हमारी, एक्सपेंसिव है, स्मॉल कैपेसिटी है, प्रोग्रामेबल है, या फिर वॉलेटाइल है, बताओ स्टूडेंट्स फटाफट फटाफट। सबसे पहले बोगिन का आंसर आया, आंसर इज डी, बाकी स्टूडेंट्स भी फटाफट कमेंट करके बताओ क्या आंसर है इसका। गरिमा जैन 18 डी, यस। और स्टूडेंट्स बाकी फटाफट फटाफट, बाकी स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट, आदित्य डी, राहुल डी, नीतीश डी, यस सभी का सही आंसर है डी, क्योंकि जो हमारी रैम है वो क्या होती है वॉलेटाइल मेमोरी, क्या होती है वो हमारी वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब कि जब तक आपके कंप्यूटर में पावर ऑन है, जब तक आपके कंप्यूटर में क्या है पावर ऑन है, तब तक आपका डाटा आपको शो होगा, जैसे ही आपकी पावर चली गई आपका डाटा भी चला जाएगा, क्योंकि पावर गई डाटा गया तो वो हो गई आपकी शॉर्ट मेमोरी, यानी कि थोड़े टाइम के लिए ही वो मेमोरी आपको रहेगी, कि थोड़े टाइम तक ही आपका जो डाटा है वो स्टोर रहेगा, जैसे ही आपने पावर बंद की वैसे ही आपका डाटा भी आपको डिस्क्लोज नहीं होगा। तो इसी वजह से वॉलेटाइल होने की वजह से ही रैम को क्या कहा जाता है, शॉर्ट मेमोरी कहा जाता है। वेरी वेल डन स्टूडेंट्स, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a secondary memory device? Secondary memory, कल हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कौन सी है। सेकेंडरी मेमोरी के हमने क्या किए थे, एग्जाम्पल्स किए थे, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं CPU, ALU, फ्लॉपी डिस्क, नन ऑफ द अबव। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, बोगिन का सबसे पहले आंसर आया है आंसर सी, फ्लॉपी डिस्क, मोहित सिंगला सी, आदित्य सी, नीतीश सी, फटाफट 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 स्टूडेंट्स बताओ फटाफट। अविनाश सी, अमित गोस्वामी सी, यस वेरी वेल डन स्टूडेंट। CPU हमारी क्या है, मेमोरी नहीं होती। ALU वैसे ही हमारा CPU का पार्ट है, नन ऑफ द अबव है, कुछ है ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बचा, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इज योर
सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क इज योर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस. वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड. आंसर इज सी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलाउ साइमल्टेनियसली रीड एंड राइट ऑपरेशंस. ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें हम हमारे जो डाटा है उसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, दोनों फंक्शंस इकट्ठे कर सकते हैं, रीड भी और राइट भी. यानी कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर डाटा को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है. फटाफट स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शंस हैं रोम, रैम, ईपी रोम, नन ऑफ द अबव. फटाफट स्टूडेंट्स बताओ. राहुल कुमार का सबसे पहले आंसर आया है बी. नीतीश कुमार 20A बॉलगिन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. गरिमा कह रही है 20th का सी, रीड और राइट जिसमें हम दोनों करते हैं, रीड और राइट. अंजलि कह रही है रैम. आदित्य कुमार सी. स्टूडेंट्स हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऐसी मेमोरी जो हमारी क्या करती है, रीड और राइट दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करती है, वो है हमारी रैम. वो है हमारी रैम. रैम रैम ही एक ऐसी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर डाटा को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है. रीड ओनली मेमोरी में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते. राइट नहीं कर सकते. सिर्फ रैम है जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, दोनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. आंसर इज बी. आंसर इज बी. मोहित सिंगला ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आंसर बी. बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. टू मेन मेमोरी टाइप्स आर. हमारी मेन मेमोरी के दो टाइप्स कौन कौन से हैं, हमारी मेन मेमोरी के हमारे कौन कौन से टाइप्स हैं. ऑप्शंस है प्राइमरी और सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम, ऑल ऑफ द अबव. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. बताओ स्टूडेंट्स हमारी मेन मेमोरी कौन कौन सी होती है, मेन मेमोरी के कौन कौन से पार्ट है. प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रोम, रैंडम और सिक्वेंशियल, तीनों में से कौन सा आंसर है. गाइज 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 प्लीज कंफ्यूज मत हो, मत हो, मत हो. ट्वेंटी फर्स्ट का आंसर आया है. बोगिन कह रहे हैं ए. मोहित सी. आदित्य डी. राहुल सी. अंजलि सी. गरिमा सी. अमित गोस्वामी सी. और आपका राइट आंसर है रैम एंड रोम इज योर मेन मेमोरी. रैम एंड रोम इज योर मेन मेमोरी. मेन मेमोरी के हमारे पार्ट कौन कौन से हैं, रैम एंड रोम. रैम एंड रोम. राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम. शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम की इन सब में से हमारी ऐसी मेमोरी कौन सी है जिसका जो टाइम है एक्सेस का वो क्या है, सबसे कम है, शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम. बिल्कुल सही नसरीन बानो ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, कैशे मेमोरी. कैशे मेमोरी इज योर आंसर. कैशे मेमोरी इज योर आंसर की शॉर्टेस्ट, क्योंकि कैशे मेमोरी ही है जिसको एक्सेस करने का जो टाइम है वो बहुत 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 कम होता है. आपका बिल्कुल राइट आंसर, आंसर इज कैशे मेमोरी. बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो स्टूडेंट्स. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज. इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि प्राइमरी मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी के कंपेरेटिवली क्या होती है, लार्ज, चीप, फास्ट और स्लो. फटाफट स्टूडेंट्स बताओ, कमेंट करके. ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन तब हमारा दूसरे वे में पूछा गया था. वही क्वेश्चन है लेकिन अब इसको दूसरे वे से पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है. मोहित सिंगला, समृद्धि सिंह,
बॉगिन, सभी का आंसर सी है और आंसर आया है आपका बिल्कुल सही। फास्ट प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है, फास्ट होती है और एक्सपेंसिव भी होती है, किसके कंपैरेटिवली, सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरेटिवली। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, सभी के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी तक जाने को, सेकेंडरी मेमोरी तक एक्सेस करने का क्या वे है, सेकेंडरी मेमोरी तक एक्सेस करने का हमारा वे क्या है। ऑप्शंस है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्शन मेथड, ट्रांसफर मेथड, डेंसिटी मेथड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आ गए हैं। नसरीन बानो कह रही हैं ए, जयप्रकाश यादव बी। टेल मी स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट करके बताओ क्या आंसर है इसका, कि सेकेंडरी मेमोरी तक एक्सेस करने का हमारा वे क्या है। मोहित सिंगला कह रहे हैं ए, बोगिन कह रहे हैं सी। आपका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये सब तो कुछ होता ही नहीं है, ये सब तो हमारा कुछ होता ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आंसर इज ए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल ई पी रोम स्टैंड्स फॉर, डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म, कल भी हमने डिस्कस किया था डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल ई पी रोम। फटाफट स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या है डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म, डबल ई पी रोम। फटाफट स्टूडेंट्स कमेंट करो और बताओ। जयप्रकाश यादव कह रहे हैं सी। मोहित सिंगला ए, समृद्धि ए, बॉगिन सी, नीतीश ए। फटाफट स्टूडेंट्स, कुछ ए कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, राइट आंसर क्या है, फटाफट बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर। मोहित कह रहे हैं नहीं मैम सी। अमित सी। टेल मी स्टूडेंट्स, हरी अप हरी अप हरी अप, व्हाट इज द राइट आंसर, ए और सी, क्या है राइट आंसर, ए है या सी है, फटाफट बताओ। कुछ स्टूडेंट्स है जो ए कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स है जो सी कह रहे हैं, और आपका राइट आंसर है ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नॉट इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिकल क्या होती है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब हम अपनी क्या करते हैं, हमारी जो पी रोम होती है, एक स्पेशल टाइप की पी रोम होती है जो हमारी, जिसमें हम जो हमारा डाटा है उसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक के थ्रू, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू, हमने हमारी क्लास में भी डिस्कस किया था डबल ई पी रोम क्या है, एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ पी रोम जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू क्या करते हैं, अपने डाटा को वाइप कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आपका आंसर है ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, नॉट इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू हम इसमें डाटा को स्टोर करते हैं और वाइप करते हैं और क्लीन करते हैं। तो आवर आंसर इज ए, आंसर इज ए। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द सीपीयू, कि ऐसी डिवाइसेस जो सीपीयू तक क्या देती हैं, इंफॉर्मेशन भेजती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो सीपीयू तक क्या देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं, उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस है इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी, क्या है, फटाफट फटाफट स्टूडेंट्स। बोगिन कह रहे हैं ए, नीतीश ए, बाकी स्टूडेंट्स भी फटाफट 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 हरी अप, कि ऐसी डिवाइसेस जो हमारे सीपीयू को क्या देती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। क्वेश्चन वही है, बस इसको घुमा के पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी कॉन्सेप्ट बिल्ड करनी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है, कि जो डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की जो सारी फंक्शंस हैं उसको कौन परफॉर्म करता है,
CPU, तो कंप्यूटर कह लो या CPU कह लो कि CPU में जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको एंटर करने के लिए जो भी हमें कौन कौन उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस, जिन डिवाइसेस के थ्रू हम अपने CPU में या हमारे कंप्यूटर में डेटा को क्या करते हैं, एंटर करते हैं, वो डिवाइसेस हमारी क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइसेस क्या है हमारी, इनपुट डिवाइसेस, बिल्कुल सही, सभी का राइट आंसर है, आंसर इज ए। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज कंसिडर्ड ए डायरेक्ट एंट्री इनटू इनपुट डिवाइस, डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम, अब आपके पास ये क्या है, चार ऑप्शंस दे दिए और ये पूछा गया कि इनमें से हम किसके थ्रू डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में, यानी कि बेसिकली क्या पूछ रहा है ये, इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है कि हम ऐसे इन चारों में से कौन से हमारे ऐसे डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं। आपका आंसर है, मोहित सिंगला कह रहे हैं डी, बॉयगिन कह रहे हैं ए, आपके ऑप्शन है ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटाइजर, लाइट पेन और ऑल ऑफ द अबव। नीतीश कुमार इज सेइंग 27D, फटाफट हरी अप स्टूडेंट्स, आदित्य डी, बॉगिन डी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, इसका आंसर है आपका आंसर डी, आंसर इज डी, क्योंकि ऑप्टिकल स्कैनर के थ्रू भी हम अपने जो डाटा है उसको कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, माउस के थ्रू भी, डिजिटाइजर के थ्रू भी और लाइट पेन के थ्रू भी हम अपने डाटा को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। अवर लास्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड मेक्स डिसीजंस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है लेकिन उसको घुमा फिरा के पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि CPU का वह कौन सा पार्ट जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और डिसीजंस लेता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट और अमेरिकन लॉजिक यूनिट। फटाफट स्टूडेंट्स हरी अप, लास्ट क्वेश्चन, नीतीश कह रहे हैं 28A, गरिमा 28A, अमित ए, अवनीश यादव ए, बिल्कुल सही, आपका आंसर है ए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अभी भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो CPU है अर्थमेटिक और लॉजिक दो प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करती है, अर्थमेटिक में आते हैं हमारे प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवीजन, और लॉजिक में आते हैं हमारे ग्रेटर देन और लेस देन, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसी तरह की और वीडियोस और क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टीचर्स अड्डा 247 पे, थैंक यू सो मच।